गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 4, देश के नाम संदेश। देश यानी अपना देश। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। फिर भी पत्र का क्या है? अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। क्या किया था? ईमेल किया था कि आपके पास 10 मिनट है, ऐसा पत्र लिखकर उनको ईमेल करके भेजा है। अब क्या भेजा है अपने पढ़ेंगे। मातृ छाया ऊंची सेरी, गांव मेजपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, ये क्या था उनका एड्रेस। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? क्या कहते हैं डॉक्टर कलाम कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। अगर है तो ईमेल पढ़ो, वरना आपकी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। अब देश के लोगों की जो सोच होती है वो बताकर कहते हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। क्या कहते हैं? हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। क्या पड़ गए? पुराने। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची थी। आप कहते हैं कि आप कहते हैं कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति
सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और अपने शुक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। सिंगापुर में ये सब तुम करते नहीं हो, बराबर ना? आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस महसूल होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचल रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हो। वहाँ के नियम कितने कड़क है कि वहाँ कोई कुछ कर सकता नहीं है। शाम के 5 बजे के बाद तुम गाड़ी चलाओगे तो आपको 60 रुपये उसका टोल टैक्स भरना पड़ेगा। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी रखी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं कहते हैं क्या? लेकिन आप दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। दुबई में क्या करते हो, रमजान होती है ना, तो रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से जो सार्वजनिक सब इकट्ठा होते उसमें आप खाने का कुछ भी साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत तक नहीं करते और पलट कर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। अपने यहाँ कहते हैं ना ऐसे, वहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है। वहाँ नियम बहुत चुस्त लगते हैं। अपने जैसा यहाँ नहीं कुछ भी बता दो और फोर से निकल जाओ, या टोल टैक्स मत भरो, ऐसे मत करो, बराबर? वहाँ तो सब जगह पे नियम का पालन करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। देखो, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में अगर आप नारियल पानी पीते हो तो खाली नारियल कहीं भी फेंक नहीं सकते। अपने यहाँ तो अपने पानी पिया और इधर उधर फेंक दिया, ऐसा वहाँ उस देशों में नहीं होता। वहाँ का रेल चयन और वहाँ की बहुत स्ट्रिक्ट होता है। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिचकारी क्यों नहीं थूकते? अब टोक्यो में जो टोक्यो शहर है उसमें तुम पान खाओगे ना तो रास्ते पर पान की पिचकारी नहीं फेंक सकते। अपने यहाँ तो मसाले खाते हो, पान खाते हो तो यहीं पे नीचे फेंक देते हो, यहाँ पर वहाँ पर ऐसे नहीं चलता। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं क्या? डॉक्टर कलाम बीच में ही याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या कहते हैं? मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। क्या कहते हैं? सिर्फ आपके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं। क्या कहते हैं? आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। दूसरे देशों में जाकर तुम पालन कर सकते हो लेकिन अपने देश का पालन तुम नहीं कर सकते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ वहाँ फेंकते हैं। जैसे तुम वहाँ से भारतीय धरती पर आए, अपना काम ऐसे ही चालू कर दिया, सिगरेट जहाँ था फेंकना, वो कोई भी चीज बराबर फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? क्या कहते हैं कि पराये देश में जाते हो
तो आप अच्छे नागरिक बनते रहते हो, माँ का नियम नीति पालन करते हो, तो तुम अपनी खुद की धरती पर क्यों पालन नहीं कर सकते? बराबर। तो इस चैप्टर में नियमों का पालन के बारे में आपको बताया, इसके आगे का मैं अगली वीडियो में आपको चैप्टर समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।